Hello guys, welcome to my channel, and today I'm gonna show you how to place Jioni S Plus stock firmware. ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Jioni S Plus में आप स्टॉक फर्मवेयर कैसे प्लेस कर सकते हैं. देख लीजिए Jioni S Plus. ठीक है, तो इसमें मैं आपको आज स्टॉक फर्मवेयर प्लेस करना बताऊँगा. और मेरा डिवाइस अभी सॉफ्टवेयर ब्रेक हो चुका है, मैंने इसमें कुछ कर रहा था तो ये सॉफ्टवेयर ब्रेक हो चुका है. तो अगर आपका फ़ोन ब्रेक हो चुका है, अगर ये लॉगिन लोगो बूट लोगो स्टक हो रहा है आपका डिवाइस, तो आप इस ट्यूटोरियल को देख के अपने डिवाइस को अगेन स्टार्ट कर सकते हैं और फ्लैश भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है. आपको फ़ोन में आपको कुछ नहीं करना, आपको बैटरी निकाल के रख देना है आपका फ़ोन. मैं आपको पीसी में बताता हूँ आपको पीसी में क्या करना है. ठीक है, तो पीसी में आपको आने के बाद में आपको यहाँ पे आपको एक फाइल डाउनलोड करनी होगी. ये आपके 1.5 GB की फाइल होगी Jioni S Plus की स्टॉक फर्मवेयर. तो मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे. ओके, तो इसके बाद में आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है. मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, देख लीजिए सेम नेम से. तो इसको ओपन मैं कर लेता हूँ. इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ड्राइवर है, ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिएगा. अगर नहीं भी करते हो तो कोई इशू नहीं है, एस पी फ्लैश 2 ले लेता है. ये फर्मवेयर है इसकी पूरा. ठीक है, ये एस एन राइटर, अगर आपका IMEI उड़ जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं तो रिपेयर करने के लिए, अगर वैसे नहीं ख़त्म होंगे आपके, नहीं उड़ेंगे आपके IMEI. और यह है एस पी फ्लैश 2, इससे फ्लैश कर सकते हैं आप अपने डिवाइस को. तो यहाँ पे एक फ्लैश टूल के नाम से फाइल है, इसे आपको ओपन करना है. ओके, ये ओपन हो चुका है. देन आपको करना है यहाँ पे फाइल चूज़ करनी है अपनी, चूज़ सेकंड वाले चूज़ पे क्लिक करना है आपको. और आपको फाइल लोकेशन पे जाना है जहाँ आपकी आपकी फ़ाइल है Jioni S Plus. देख लीजिए ये वाला फाइल था हमारा. देन उसके बाद में अगेन फोल्डर, फिर फर्मवेयर में जाना है. और तो यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स होगी आपके पास, तो यहाँ पे आपको चूज़ करनी है एंड्रॉयड स्केटर वाली फाइल चूज़ करनी है आपको, और ओपन कर लीजिएगा. ठीक है, ये फाइल लोड हो चुकी है यहाँ पे. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है. और मैं आपको फ़ोन में बताता हूँ फ़ोन में क्या करना है आपको. फाइन, देन उसके बाद में आपको अपने फ़ोन में बैटरी इंसर्ट करनी है. देन आपको डाउनलोड पे क्लिक करके एस पी फ्लैश टूल में, देन आपको अपनी डाटा केबल इंसर्ट करनी है इसमें. जैसे आप डाटा केबल इंसर्ट करोगे, देख लीजिए कनेक्ट हो चुका है फ़ोन और आपकी फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो चुकी है. ये तब तक 100% नहीं हो जाएगा, आप प्लीज़ अपने फ़ोन को रिमूव मत कीजिएगा अपने पीसी से, सिस्टम से.
तो गाइस तो ये कंप्यूट हो चुका है, देख लीजिए यहाँ पे, जब ये ओके का राइट लोगो आ जाए तो इसे कट करके इसे क्लोज कर दीजिएगा। मैं आपको फ़ोन बताता हूँ फ़ोन में क्या करना है आपको। ओके गाइस तो फ़ोन में आपको क्या करना है, बैटरी रिमूव करनी है फर्स्ट आपको, देन अगेन इंसर्ट करनी है और आपको ऑन करना है। इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, तो प्लीज़ इस प्रोसेस को ऑन रहने दीजिएगा। आपको लगे कि ये स्टक हो रहा है फिर भी इसे ऑन रहने दीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, जियोनी के डिवाइस में काफ़ी टाइम लगता है बूट को ऑन होने में। गाइस देख लीजिए ये ऑन हो चुका है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपको, प्लीज़ स्किप मत करना इस प्रोसेस को। मतलब आप बैटरी हटा के या दोबारा ऑन करने लग जाओ तो इसको ऐसा मत करना कुछ भी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा आपका फ़ोन। तो इसके बाद में आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले लोगो पे क्लिक करना है, देन स्किप 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 एनी वे, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। अगर आप लॉक लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने ये चूज़ कर लिया इसलिए लॉक का मांग रहा, तो उसको बैक करके इसको अनचेक कर दीजिए और स्किप कर लीजिएगा, स्किप एनीवे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके गाइस देख लीजिए आपका डिवाइस ऑन हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए जियोनी एस प्लस। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ में भी आया होगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको प्रोसेस में कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और डाउनलोडिंग की फाइल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।